मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से मेरी आवाज़ सुनो। मैं आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथियों का स्वागत करता हूँ। म्यूटेशन का मतलब किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होता है। जब वायरस लाखों कॉपियाँ बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है तो हर कॉपी अलग अलग होती है। कैंसर कोशिकाएं मस्तिष्क की स्वस्थ कोशिकाओं के संपर्क में आकर अति सक्रिय हो जाती है। माना जाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि थोड़ी देर की झपकी से मनुष्य में रचनात्मक बढ़ सकती है। यह अध्ययन MIT और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने किया है। धन्यवाद। आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 आदरणीय गुरुजी एवं इस ग्रुप के समस्त साथियों, मेरी आवाज़ सुने सीरीज में बिजनेस के शुरुआती कदम कैसे उठाएं? ध्यान से सुने। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर उसके बारे में जांच पड़ताल कर ली जाए और कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए तो आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलती है। स्टार्टअप शुरू करने से पहले स्टार्टअप फाउंडर के लिए जिन बातों पर विचार करना जरूरी है उनकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले बाजार, जैसे कि मैनेजमेंट टीम, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग एनालिसिस, ऑपरेशनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान, इन सब का अनुसंधान और विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यह स्टार्टअप का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन कई व्यवसायी इस पर ध्यान नहीं देते, जिसका कारण उन्हें आगे जाकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुजी एवं इस ग्रुप के सभी भाई बहनों, खगोल वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ब्रह्मांड में सूर्य के अस्तित्व से पहले पानी विद्यमान था। सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। यह खोज नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों ने ग्रह को बनाने वाली डिस्क में केमिकल सिग्नल को मापने के लिए ALMA का उपयोग किया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मिट्टी में विद्यमान सामान्य बैक्टीरिया से बने ऐसे एंजाइम की खोज की है जो हवा में मौजूद हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदल सकता है। इस एंजाइम का नाम HUC रखा गया है। सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने की है। खगोलविदों के अनुसार यह आकाशगंगा बिग बैंग के ठीक 32 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, जब ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक अवस्था में था। थैंक यू। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के साथीगण, क्यों चुने साइबर सिक्योरिटी को कैरियर? अन्य प्रोफेशंस के तुलना में इस कार्य क्षेत्र में बेरोजगारी अत्यंत कम है। सभी तरह के इंडस्ट्री में ऐसे ट्रेंड लोगों की बढ़ती मांग है। आकर्षक सैलरी और अन्य सुविधाएं भी हैं। रिमोट वर्क करने की भी सुविधा है। अन्य प्रोफेशन की भ्रांति यहां पर बहुत हाई फाई डिग्री, मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। चंद माह के सर्टिफिकेशन से भी जॉब मिलने के अवसर हैं। आगे बढ़ने के लिए इस क्षेत्र की सिर्फ नई विधाओं में स्वयं को अपडेट रखना ही पर्याप्त। लचीला कार्य समय, घर से काम करने का विकल्प तथा मोटी सैलरी के अलावा जॉब संतुष्टि, कार्य अनुभव हासिल करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की संभावना, IT मैनेजमेंट, फॉरेंसिक ऑडिटिंग सहित तमाम तरह के क्षेत्र में कैरियर निर्माण के विकल्प हैं। धन्यवाद। सुनो 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 शाम 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। मैं सुदर्शन कुमार बनियापुर छपरा सारण से, आदरणीय गुरुजी एवं सभी ग्रुप साथी, प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में कुछ प्रमुख टिप्पणी कर रहा हूँ। भारत में बहुत से खगोलविद हुए, जिसमें सबसे अधिक विख्यात आर्यभट्ट थे।
जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, उन्हें कुसुमपुर जो कि वर्तमान में पाटलिपुत्र बिहार हैं, यहाँ रहकर खगोलीय गणनाओं को शुद्ध करने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने खगोलीय घटनाओं की सही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने गैलीलियो तथा कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सभी साथियों, सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। स्काई ग्लो, स्काई ग्लो चंद्रमा और दृश्यमान व्यक्तिगत सितारों जैसे असतत प्रकाश स्रोतों के अलावा रात को आकाश में फैली हुई चमक है। यह प्रकाश प्रदूषण का आमतौर पर देखा जाने वाला पहलू है, जबकि आमतौर पर कृत्रिम प्रकाश से उत्पन्न होने वाली चमक का जिक्र होता है। स्काई ग्लो में दिखाई देने वाली कोई भी बिखरी हुई रोशनी जैसे कि स्टारलाइट, राशि चक्र प्रकाश और एयर ग्लो शामिल है। स्काई ग्लो के कारण प्रकाश प्रदूषण उत्पन्न होता है। पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में आकाश की चमक का प्रभाव विभिन्न प्रकार की जीवों के लिए हानिकारक देखा गया है, जैसे कि चमगादड़, जुगनू, समुद्री कछुए इसके शिकार हो जाते हैं। इससे पौधों और जानवरों का जीवन प्रभावित होता है, विशेषकर जो रात्रि में अपना भोजन तलाश करते हैं, क्योंकि उनका प्राकृतिक वातावरण अप्राकृतिक वातावरण के अधीन हो जाता है। मेरी आवाज सुनिए मेरे प्यारे गुरुदेव एवं मेरे प्यारे ग्रुप साथियों, इतिहास गवाह है, जिस देश ने विज्ञान की मदद से प्राकृतिक शक्तियों को समझकर नियंत्रित किया, वही विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए जमाने में सफल हुआ। एक समय था जब भारत केवल मसालों और मलमल जैसे उत्पादों के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शीर्ष पर नहीं था, अपितु विज्ञान प्रौद्योगिकी में शिखर पर होने के कारण इसे तमिलनाडु में वुटज स्टील एवं गुजरात में लोथल बंदरगाह बनाने की भी क्षमता मिली। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो, औरक बॉक्सर से दीपक कुमार, आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के साथी। विषय सूर्य से पहले पानी। अब ध्यान से सुने, खगोल वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ब्रह्मांड में सूर्य के अस्तित्व से पहले पानी विद्यमान था। उन्होंने दावा किया है कि पृथ्वी पर विद्यमान पानी सूर्य से भी पुराना है। सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। यह खोज नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी चिली में आटाकामा लार्ज मिलीलीटर एरे ऑफ टेलीस्कोप यानी कि ALMA की सहायता से 1300 प्रकाश वर्ष दूर युवा तारे का अवलोकन किया। इस तारे का नाम V883 ओरियोनिस है। तारों के चारों ओर गैस एवं धूल की डिस्क है। विज्ञानिकों ने ग्रहों को बनाने वाली डिस्क में केमिकल सिग्नल को मापने के लिए ALMA का उपयोग किया। इस दौरान उन्हें अंतरिक्ष में गैस के रूप में पानी या जल वाष्प मिली। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे हल्का पेंट तैयार किया जाता है अमेरिका में। इसे सिर्फ 1.36 किलोग्राम पेंट से ही पूरे बोइंग 747 विमान पर पेंट किया जा सकता है। आकाशगंगा बिग बैंग के ठीक 32 करोड़ पश्चात बनी थी। जन्मजात दोष या दुर्घटनाओं में शरीर के अंग गंवाने वाले लोग के लिए वैज्ञानिक ने कृत्रिम अंग तैयार किए, उन्हें नया जीवन दान देने का कार्य किया। धन्यवाद। मैं स्नेहा कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर से, मेरी आवाज़ सुनो में आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। स्काई ग्लो चंद्रमा और दृश्यमान व्यक्तिगत सितारों जैसे असतत प्रकाश स्रोतों के अलावा रात को आकाश में फैली हुई चमक है। यह प्रकाश प्रदूषण का आम तौर पर देखा जाने वाला पहलू है, जबकि आम तौर पर कृत्रिम प्रकाश से उत्पन्न होने वाली चमक का जिक्र होता है। स्काई ग्लो में दिखाई देने वाली कोई भी बिखरी हुई रोशनी जैसे कि स्टारलाइट, राशि चक्र प्रकाश और एयर ग्लो शामिल है। स्काई ग्लो के कारण प्रकाश प्रदूषण उत्पन्न होता है। पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में आकाश की चमक का प्रभाव विभिन्न प्रकार की जीवों के लिए हानिकारक देखा गया है। चमगादड़,
जुगनू, समुद्री कछुए इसके शिकार हो जाते हैं। इससे पौधों और जानवरों का जीवन प्रभावित होता है, विशेषकर जो रात्रि में अपना भोजन तलाश करते हैं, क्योंकि उनका वातावरण प्राकृतिक वातावरण अप्राकृतिक वातावरण के अधीन हो जाता है। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुदेव एवं ग्रुप के सभी साथी, आज हम बताने वाले हैं कि सूर्य से भी पहले था पानी। खगोल वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ब्रह्मांड में सूर्य के अस्तित्व से पहले पानी विद्यमान था। उन्होंने दावा किया है कि पृथ्वी पर विद्यमान पानी सूर्य से भी पुराना है। यह खोज नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ऑफ टेलीस्कोप की सहायता से 1300 प्रकाश वर्ष दूर युवा तारे का अवलोकन किया। इस तारे का नाम भी 883 ओरियोनियस है। तारे के चारों ओर गैस एवं धूल की एक डिस्क है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय सर एवं सभी ग्रुप के भाई बहन, आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बीजगणित की खोज आर्यभट्ट ने की थी। भारत के पहले उपग्रह के नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इनका जन्म 473 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। वह दशमलव प्रणाली के आविष्कारक भी थे। थैंक यू। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सब साथियों, छोटी झपकी बड़ा लाभ। माना जाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, लेकिन नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि थोड़ी देर से झपकी से मनुष्य में रचनात्मक बढ़ सकती। यह नींद समस्याओं के समाधान के साथ साथ तनाव का उपचार करने में भी सहायक है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, लद्दाख के जिला प्रशासन ने 14 दिसंबर 2022 को चंगथांग वन्य जीव अभयारण्य के भीतर 6 बस्तियों को डाई स्काई रिजर्व के रूप में नामांकित किया गया है, जिसका आकाश में प्रकाश प्रदूषण से मुक्त है। डाई स्काई रिजर्व क्षेत्र में आसपास को अंधेरा रखने का प्रावधान किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो सर एवं ग्रुप के सभी साथी, खगोल में प्राचीन भारतीयों का योगदान अतुल्य कहा जा सकता है। उन्होंने तारों एवं तारा मंडल के उन ग्रहों एवं ग्रहों के अंतरों को समझा, ग्रह और उपग्रह के परिक्रमा कालों का आकलन किया तथा उनके गुण व्यवहार को भी समझा। ये सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। इनके लिए उन्होंने ग्रहण की विधियों में सक्षम थे। पूजा की वेदी आदि की शुद्ध आकृति एवं आकार में निर्माण के लिए उन्होंने नियमित आकृतियों आकारों के लिए रेखागणित के सूत्र बनाए। दरअसल भारत में ज्योति विज्ञान एवं ज्योतिष एवं ज्योति गणित के विकास एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यहाँ ज्योति विज्ञान एस्ट्रोनॉमी विज्ञान है, जबकि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी नहीं। इनके बीच में भेद समझना चाहिए। संभव है ज्योति विज्ञान के लिए राजस्य पाने के लिए खगोलविदों ने ज्योतिष आरम्भ किया हो। ज्योतिष में 3 अंश हैं, सिद्धांत, सहित और होरा। सिद्धांत ज्योतिष तो विज्ञान है और उसका ग्रह नक्षत्रों की स्थिति गति एवं गणना वाला अंश अधिक पर गणित पर आधारित है। विदाद तो फलित ज्योतिष की सत्यता पर होता है। मेरी आवाज़ सुनो में आदरणीय गुरुदेव एवं इस ग्रुप के साथियों, स्काई ग्लो ने मनुष्यों, जानवरों और कीटों पर पारिस्थितिकी प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी है। हाल ही शोध से पता चला है कि स्काई ग्लो से जुगनुओं को खतरा बढ़ गया है। जुगनुओं के पास विशेष प्रकाश उत्सर्जन अंग होते हैं, जो प्रजनन के दौरान
संचार करने के लिए चमकते हैं। जुगनू मई से जुलाई के महीने में पेड़ पौधों के बीच चमकते थे, लेकिन वे स्काई ग्लो से नष्ट होने वाली जीव प्रजातियों में शामिल हो चुके हैं। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार जुगनू स्काई ग्लो से बचते हुए अपनी जीवनचर्या के लिए अंधेरे क्षेत्र में चले गए हैं और उनकी कुल आबादी 90% तक कम हो गई है। सुनो सुनो आदरणीय गुरुजी और सभी गुरु साथियों, कैंसर की सूचना देने वाली नई तकनीक की टॉपिक पर जो दो शब्द बोलने का मौका मिला है। वैज्ञानिकों ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है। यह मॉडल कैंसर की सटीक पहचान कर सकता है। संशोधकताओं के अनुसार इससे डायग्नोस में तेजी आ सकती है। यह रोगियों को तेजी से परीक्षण की जानकारी देने में सक्षम है। इसे लंदन के NHS फाउंडेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्चर और इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। यह मॉडल पहचान कर सकता है कि किसी व्यक्ति के सटीक कैंसर में देखी गई असमानताएं कैंसर है या नहीं। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। भारत में बहुत से खगोलविद हुए। सबसे अधिक विख्यात थे आर्यभट्ट, जिनका जन्म 476 ईसा पूर्व में केरल में हुआ। उन्हें कुसुमपुर पाटलिपुत्र बिहार में रहकर खगोलीय गणनाओं को शुद्ध करने का श्रेय जाता है, जिसने खगोलीय घटनाओं की सही भविष्यवाणी करके जन सामान्य में ज्योतिर्विज्ञान के लिए सम्मान पुनर्जीवित किया। गैलीलियो तथा कोपरनिक से लगभग 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है तथा सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, क्योंकि ग्रह भिन्न भिन्न कोणों वेगों से परिक्रमा करते हैं। तेज ग्रह धीमे ग्रह से आगे निकल जाते हैं। तेज ग्रह कितने समय बाद आगे निकलेंगे वह काल गणना आर्यभट्ट ने 1500 वर्ष पूर्व कर ली थी तथा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि के लिए उनके परिणाम आज के स्वीकार मानव के जैसे ही थे। आर्यभट्ट के 4 अध्याय में 121 पद है। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनो आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों, भारत में बहुत सारे खगोलीय विद हुए, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आर्यभट्ट है, जिनका जन्म 776 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था। उन्होंने पाटलिपुत्र बिहार में रहकर खगोलीय गणनाओं को शुद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने खगोलीय घटनाओं के सही भविष्यवाणी करके जन सामान्य में ज्योतिष विज्ञान के लिए सुनो सुनो मेरी आवाज सुनो। पश्चिम चंपारण की धरती से मैं पूनम देवी, आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के सभी भाइयों और बहनों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को 2023 से 24 और 2030 से 31 तक 6,003,65,00,000 रुपए की कुल लागत पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना एवं बढ़ाना है। खगोल वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी पर विद्यमान पानी सूर्य से भी पुराना है। सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। यह खोज नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। अमेरिका में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा एसिडिटी सेंसर तैयार किया है जो पैकेट बंद भोजन की ताजगी का पता लगा सकती है। खगोलविदों ने अब तक के सबसे बड़े ब्रह्मांडीय विस्फोट का पता लगाया है। यह विस्फोट
3 वर्ष से अधिक समय तक चला। इस विस्फोट को AT-2021 IWX नाम दिया गया है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सभी साथियों, बहुत ही जल्द मनुष्य के कटे हाथ पैरों को पुनः विकसित किया जा सकेगा। चीन के जयान में नॉर्थ वेस्ट पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने इसके अध्ययन किया है। उन्होंने हिरण के शरीर में मिलने वाली ब्लास्टेमा प्रोजेक्ट कोशिका को चूहे के सिर में डाला और 45 दिन उपरांत चूहे के सिर पर सिंह जैसी आकृति निकल आई। अध्ययन में पता चला कि हिरण के शरीर में वेस्टम सेल के अंदर ब्लास्टेमा कोशिका पाई जाती है। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनो आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, महामारी से सतर्क करेगी AI। वैज्ञानिक ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम तैयार किया है जो आने वाली महामारी की चेतावनी देगा। यह कोरोना के चिंताजनक और खतरनाक रूप का भी पता लगाने में सक्षम है। इससे महामारी को रोकने या फिर नियंत्रित करने में सहायता मिल सकेगी। अमेरिका के क्रिप्स रिसर्च और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बड़े मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से इस AI सिस्टम को तैयार किया है। इस मशीन लर्निंग मॉडल में पैटर्न का पता लगाने, एल्गोरिदम विकसित करने और भविष्य में ये पैटर्न कैसे काम कर सकते हैं आदि के बारे में जानकारी देने के लिए कंप्यूटर के जरिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसके जरिए वायरस के म्यूटिलेशन और भविष्य में सामने आने वाले रूप के बारे में सटीक जानकारी मिली। थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं ग्रुप के सभी साथियों, मैं रजनी कुमारी समस्तीपुर से। इस क्रैग्रू कृत्रिम प्रकाश स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न आकाशीय चमक दूषण है जो रात के समय रोशनी की चादर की तरह फैला नजर आता है। यह मनुष्य और जानवरों दोनों की प्राकृतिक लय को प्रभावित करती है। रात की रोशनी नींद में बाधा डालती है एवं एस्केडियन लय को प्रभावित करती है और मेलाटोनिन को कम करती है। एस्केडियन लय 24 घंटे की वह आंतरिक घड़ी है जो दिन और रात की गतिविधियों को मार्गदर्शन करती है और लगभग सभी जीवों शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में से एक हार्मोन मेलाटोनिन की उत्पादन है। मेलाटोनिन अंधेरा होने पर जारी होता है और प्रकाश की उपस्थिति पर बाधित हो जाता है। धन्यवाद। सुनो मेरी आवाज़ सुनो मेरे प्यारे गुरुदेव और मेरे ग्रुप के साथियों, मैं आज बोलने जा रही हूँ सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज की है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जनरल में प्रकाशित अध्ययन में यह दावा किया गया है कि खगोल विद्यों के अनुसार यह आकाशगंगा बिग बैंग के ठीक तक 32 करोड़ वर्ष पश्चात बनी थी, जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। वेब टेलीस्कोप की यह खोज खगोल विद्यों को ब्रह्मांड के अणु सुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगी। वैज्ञानिकों ने इस आकाशगंगा को JDAC-GSC-J13-0 नाम दिया है। खगोल विद्यों ने इस आकाशगंगा के बारे में पता लगाने के लिए 2 अध्ययन किए। इनसे पता चला कि अब तक देखी गई 4 सबसे दूर की आकाशगंगाओं का विवरण देती है। बिग बैंग का समय 13 अरब वर्ष पहले माना जाता है। इसके बाद 30 से 50 करोड़ वर्ष की अवधि में आकाशगंगाओं का निर्माण किया गया हुआ था। धन्यवाद। सुनो शाम 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं सभी ग्रुप के भाई बहन। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बीजगणित की खोज आर्यभट्ट ने की थी।
भारत के पहले उपग्रह के नाम इन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। इनका जन्म 473 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। वह दशमलव प्रणाली के अभिसारक भी थे। थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनो चरक संहिता आयुर्वेद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 2 शताब्दी बाद की इस रचना में इसके 8 खंडों सूत्र निदान विमान शरीर इंद्रिय चिकित्सा कल्प एवं सिद्धि में 120 अध्याय हैं। इसमें औषध के रूप में उपयोग के लिए अनेक स्रोत वर्णित हैं, जैसे वनस्पति, जीव, खनिज। इस पुस्तक में केवल चरक नहीं अपितु अन्य चिकित्साओं को ज्ञान भी संकलित है। चरक के लगभग 2 शताब्दी बाद सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा में काम आने वाली 300 विधियां एवं शल्य चिकित्सा के 121 उपकरण वर्णित है। शल्य चिकित्सा से पूर्व विष संक्रमित करने के लिए क्षार, अग्नि अथवा जोखों का उपयोग ही नहीं, शरीर की रचना मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पत्थरी होने पर या किसी के नाक कट जाने पर इसके इलाज के प्रक्रियाओं के विवरण ग्रंथों से संग्रहित है।